मेरा नाम प्रशांत दयाल है। मैं दिल्ली में एक जूस और स्मूदी की चेन चलाता हूँ। मेरे बिजनेस का नाम बॉनजूस है। मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ और पिछले 20 साल से काम करते रहा हूँ, किंतु अब बिजनेस में आने के बाद पता लगा है कि बिजनेस रन करना एक अपने तरीके से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और अब जानना समझने से पता लगा है कि बिज़नेस में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, किंतु जब सक्सेस मिलता है तो उसका मज़ा भी अलग आता है। सो थैंक यू वेरी मच NDTV एंड फ्रीडम ऐप बिगर अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हम सब लोग बड़े इच्छुक हैं आपकी कहानी और आपने कैसे ये खड़ा किया जूस का पूरा धंधा बिजनेस, प्लीज़ बताइए हमारी जनता को। जूस के बिजनेस की स्टोरी तकरीबन पिछले 7 साल पुरानी है। जब हम लोग, मेरी बेटी अराउंड 6-7 साल की थी, हम लोग काफ़ी मॉल, वीकेंड पे मॉल या फूड कोर्ट जाते रहते थे। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम जाते थे हमारे लिए काफ़ी ऑप्शन होते थे, बट बिकॉज शी वॉज नॉट अलाउड टू हैव कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनीथिंग विच इज़ वेरी हाई सॉल्ट, देयर वॉज नथिंग विच इज़ अवेलेबल। उनके लिए ऑप्शन होता ही नहीं था, वो या तो नींबू पानी या फिर पानी पी के ही रह जाती थी। एंड वो काफ़ी ख़राब सा लगता था क्योंकि हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं पर उसके लिए हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। एंड हर क्वेश्चन वॉज मेरे लिए क्यों कुछ नहीं हो सकता। वहाँ से सोच चालू हुई कि मे बी अगर कोई और सॉल्व नहीं कर सकता है तो हमारे को ही सॉल्व करना है। इट वॉज मोर इन टर्म्स ऑफ एक नीड को मीट करना रादर एक बिजनेस खड़ा करना। वहीं से चालू हुआ। इनफैक्ट उस समय मैं नौकरी कर रहा था। हम लोगों ने पहला आउटलेट मेरे फादर ने चालू किया 2017 में। तो जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि कोल्ड प्रेस जूस क्या होता है, क्योंकि कई जगह ये बोर्ड लगा होता है पर इसका मतलब क्या है, इसमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों लोग आजकल इसकी तरफ बढ़ रहे हैं? अधिकतर जूसर जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं वो हाई स्पीड, वेरी हाई RPM वाले जूसर होते हैं। 25,000 से 36,000 RPM के बीच में उनका जूसर जो ब्लेड है वो घूमता है, जिससे कि काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जूस के वो बिकॉज ऑफ द हीट लॉस हो जाता है। जो कोल्ड प्रेस जूसर्स हैं टिपिकली 43 RPM से 65 RPM के बीच में चलते हैं, वो फ्रूट को क्रश करके जूस निकाला जाता है, तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहती है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे आउटलेट में बना रहे हैं जहाँ की कंज्यूमर आता है, फ्रेश मांगता है और हम उसको फ्रेश बना के देते हैं, तो इसके लिए न्यूट्रिएंट वैल्यू एकदम बनी रहती है, फ्रेश रहती है। आपको कोई स्पेशल मशीन की जरूरत होती है और उसको खरीदने में कितना खर्चा होता है? एक्चुअली थैंकफुली आजकल जो स्लो जूसर्स या कोल्ड प्रेस जूसर्स आ गए हैं मार्केट में, उसके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी रेंज चालू हो जाती है 6-7 हज़ार से लेके, और थोड़े कमर्शियल जूसर्स जो हैं वो अराउंड 45,000 से 50,000 रुपीज़ के आसपास मिलते हैं। आप क्या, आपका आइडिया है कि कम पहले हमारे पूरे देश में फिर पूरे दुनिया में आपकी कंपनी फैले, जैसे बाहर के जूस अभी आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे आपका जूस फैल जाए, इसके लिए क्या कोई प्लान है आपके पास? इनफैक्ट मैं मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले तकरीबन 20 साल से काम करता रहा हूँ। मैंने नौकरी छोड़ी 2019 दिसंबर में, 2020 जनवरी में आई जॉइन द बिजनेस कम्प्लीटली। अनफॉर्चुनेटली 2020 कोविड द पेंडेमिक हैपेंड, 23 मार्च इज वेन वी एक्चुअली हैड टू शट डाउन ऑल द स्टोर्स, बट हमारी टीम पूरी बनी रही हमारे साथ, थैंकफुली एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। हमारी जो टीम थी वो अभी तक वही टीम चल रही है, नोबडी लेफ्ट। We kept on paying salaries, some part of rent, obviously थोड़ा सा negotiate कर पाए हम लोग, but we were able to sustain and survive. Actually अभी क्या हमारे 7 outlets हैं दिल्ली NCR में। I am planning now, अभी जो plan है कि 2022 के end तक हम लोग 15 outlet पहुँचेंगे। मान लीजिए पटना में कोई खोलना चाहता है outlet, हाँ जी, आप उसकी कैसे मदद करते हैं? पटना के अंदर कुछ महीनों में हम लोग अपने franchises खोलना चालू करेंगे। अगर कोई interested है, और मैं जानता हूँ because मैं तकरीबन 6 साल बिहार झारखंड में रहा हूँ, मेरी इंजीनियरिंग वहाँ से हुई है और मेरा MBA जमशेदपुर से हुआ है, तो इसलिए मैं जानता हूँ वहाँ पे बहुत चाह है लोगों की, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप के लेके और फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश चीज़ों को लेके। आप अपनी पत्नी और वाइफ के साथ बिजनेस करते हैं, राइट? सो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू डू अ बिजनेस विद वाइफ, क्योंकि गृह मंत्री है आपके और आपको साथ में उनके साथ देश चलाना है, कंपनी चलानी, तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज़? एक्चुअली मेरी वाइफ भी एक एंटरप्रेन्योर है। अच्छा। वो अपने 2 अलग बिजनेस रन करती हैं। क्या बात है। और मैं जो मेरा जो बिजनेस करता हूँ, मेरे फादर मेरे साथ में हैं। अच्छा। तो गृह मंत्री हम लोग, एंड हम लोग पूरे के पूरे फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग के पहले कोई बिजनेस में रहा ही नहीं है। इनफैक्ट वी डोंट इवन हैव अ सिंगल आउंस ऑफ ब्लड, बिजनेस ब्लड इन आर फैमिली। हम लोग आपस में बात करते रहते हैं किस तरीके से बिजनेस को बड़ा कर सके हैं, किस तरीके। दिन में कितने बॉटल्स बिकते हैं आपके? दिन में एक्चुअली हमारे जो स्टोर्स हैं, ऑन एन एवरेज हम लोग
100 आउट जो पुराने आउटलेट्स हैं बड़े वाले अराउंड 120 150 ऑर्डर्स होते हैं ऑन अ सिंगल आउटलेट सिंगल आउटलेट अच्छा जरा नाम के बारे में बताइए बॉर्न जूस ये नाम आपने क्यों चुना बॉर्न इज फ्रेंच में गुड जूस इज सो बेसिकली दिस वाज सपोज्ड टू बी गुड जूस आपके दिन का एक अच्छा पार्ट और अच्छा जूस बेसिकली द होल आइडिया कि आपके दिन को अच्छा करने के लिए कुछ एक चीज है जो आप ले सकते हैं फ्रेश है प्योर है हेल्दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टी हम सबकी शुभकामनाएं कि आप हेल्दी सोसाइटी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस रास्ते पे आप कायम रहें विशिंग यू द वेरी बेस्ट मैं घर से बोलता हूं कि मैं एक जूस वाला हूं और मैं शायद एक MBA जूस वाला भी हूं क्या बात है कांग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट दुनिया भर का फ्रूट जूस बाजार 9.87 लाख करोड़ रुपए का है फ्रूट जूस में औसत मुनाफा 25-30% है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम CLCSS सिडबी की वेंचर कैपिटल लिमिटेड कंपनी SVLC प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के जरिए फ्रूट जूस का कारोबार शुरू कर सकते हैं